मेटा मॉडल किस किस का प्रैक्टिस क्या क्या शुरू हुआ? वी हैव 25 पीपल हियर एंड आई एम श्योर एवरीवन मस्ट हैव डन द प्रैक्टिस. यस प्लीज रचना मासन जी. यस सर, एक्चुअली कोइंसिडेंटली दिस प्रैक्टिस हैपेंड. आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू लखनऊ फ्रॉम हल्द्वानी. इन बिटवीन वी वेंट टू अ मंदिर. तो मेरे बेटे का यही है कि देयर इज नो गॉड. ओके. एंड आप कैसे कह सकते हो देयर इज नो प्रूफ ऑफ कि गॉड है नहीं है, सुपरनैचुरल पावर है या नहीं. एंड उस पे कंटिन्यूएशन में आई आस्क्ड हिम कि हाउ यू कैन प्रूफ कि गॉड नहीं है, हाउ यू कैन प्रूफ. और इस चीज को लेके सर इतने क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट हम दोनों के बीच में हुए. एंड ऑलमोस्ट 50 to 100 सेंटेंसेस मेरे फॉर्म हो गए जो शायद अभी मुझे खुद भी याद नहीं है. बट आई रियलाइज कि ये ऑटोमेटिकली मुझे उससे कन्वर्स करने का एक सही तरीका मिल गया. पहले ये होता था कि मैं उसे समझाती थी नहीं बेटा ऐसे है वैसे है. नाउ आई क्रॉस क्वेश्चन हिम. नाउ इफ आई कांट प्रूव देयर इज गॉड, यू प्रूव वेयर इज द दैट देयर इज नो गॉड और देयर इज नो सुपरनैचुरल पावर. तो उस पे काफी सारे वो ऑल दो ऑनेस्टली मुझे सेंटेंसेस याद नहीं है सारे, बट इट हैपेंड इन अ गुड वे. एंड ही रियलाइज यस समथिंग इज देयर. एंड ये बहुत बड़ा चेंज था उसके अंदर क्योंकि मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ कि उसका थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट हो. उसका नेगेटिव माइंडसेट है, बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट है. आपको यूज करने को आ जाएगा कि किस तरह से अपनी भाषा को सही तरीके से यूज करना है. और किस किस ने क्या क्या प्रैक्टिस किया? चलो आई हैव अ क्वेश्चन बिफोर दैट. आई विल पुट इट दिस वे. सपोज इफ समवन सेज इन योर फैमिली आई एम अनहैप्पी, हाउ विल यू क्वेश्चन इट? क्योंकि आज भी हम लोग मेटा मॉडल पे बहुत सारी बातें करेंगे. सो इफ समवन सेज आई एम अनहैप्पी, if someone says I am unhappy, how would you put it? So may I? एक-एक बताओ, एक-एक करके. कह सकते हैं उनको कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें जिससे आपको खुशी मिले. नहीं, उसको सिंपल डिसीजन पूछना है. कंपैरिजन में वगैरह जाना ही नहीं है, जनरलाइजेशन में नहीं जाना है, नॉमिनलाइज नहीं करना है. सिंपल अनहैप्पी, तो उसको अगर हाँ प्लीज. हाउ विल यू बी हैप्पी, हाउ यू विल बी हैप्पी, या फिर ऐसा भी हाउ एग्जैक्टली विल यू बी हैप्पी, या फिर अगर उसको डायरेक्ट कट करना है अनहैप्पी अबाउट व्हाट. अनहैप्पी अबाउट व्हाट, सिंपल. I am fed up. What would be the answer? Means why? About what? Fed up with what? What aspect are you fed up with? What exactly? Fed up of. Okay, he is wrong. Are you fed up of? He is wrong. In what way he is wrong? He is wrong. How exactly he is wrong? I know. What do you know? What? What do you know? What exactly? I feel curious. About what? About what? You must not do that. Exactly what? What should I do? Exactly what should I do? Should I not do? Or exactly what should not be done? डिलीशन करना है अपने को तो या तो पॉजिटिव वे में डिलीट कर सकते हो, नेगेटिव वे में डिलीट कर सकते हो. इट्स परफेक्ट. Sir. हाँ बोलिए बोलिए, जो जो आंसर देना चाहते हैं बिल्कुल. How exactly? अभी भी बात खत्म कर सकते हो. I am sad. About what? He can't. What he can't? Why he can't? हाँ. Stop it. For what? Huh? What exactly? So, अभी हम और एक सेंटेंस देखते हैं. जनरली लोग बोलते हैं ना
कि यहाँ का खाना वहां से ज्यादा बेहतर है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कंपनी लॉन्चेस अ प्रोडक्ट, आवर न्यू प्रोडक्ट इज मोर एन इफेक्टिव, आवर न्यू प्रोडक्ट इज मोर इफेक्टिव, व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स? How exactly it is more? How is it? How exactly? What's the difference? What's the difference? How exactly? यहाँ पे ध्यान से देखो. Our new product is more effective. Obviously more effective. It is more effective. और ध्यान से सुनो सेंटेंस. Our new product is more effective than your previous product. You are closer to that. Almost closer to that. More effective than what? What's important in the previous one? What's effective in the previous one? More effective than what? More effective than when? When? For example, what are the new more features? When someone is saying that our new product is more effective, means it is a presupposition that already a previous product is in existence. And you have launched a new product which is effective than that. Our new product is more effective, मतलब आपके पास पहले कुछ ना कुछ है या कुछ था जिससे ज्यादा. Means comparison. How's your new product? Comparative division कहा जाता है. Comparative division कहा जाता है जो कि corporate sales में बहुत ज्यादा use हो जाता है. जिन लोगों ने purchase में job किया है ये लोग बहुत ज्यादा use करते हैं. When a new salesman comes, Pallavi, everything is all right? जब सेल्स वाले होते हैं. सॉरी सर, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम ओके, फ्रेश एनफ. ठीक है, चलो. थैंक यू मैं क्योंकि सबके चेहरे को ध्यान से देखता हूँ तो सॉरी, मतलब एक्चुअली दो दिन से सर क्लाइंट्स अच्छे हैं, मतलब फॉलोअप्स भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, सो थैंक्स टू गॉड. तो सेल्स में जब ये होता है इंसान, जब परचेस में स्पेशली होता है, आवर न्यू प्रोडक्ट इज मोर इफेक्टिव. More effective than what? Purchase वाले seriously पूछते हैं किसके मुकाबले. Generally prices बहुत ज़्यादा common होता है, that our prices better compared to what? With as compared to what? With reference to what? This time your marks are better. With reference to what? 10 साल पुराने या पिछले semester के marks? Today my pen is better. With reference to what? कल के मुकाबले या पहले दिन के मुकाबले. टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर. विद रेफरेंस टू व्हाट? आई एम फीलिंग मच बेटर टुडे, बट कल परसों नर्सों कभी ना कभी कुछ ना कुछ पेन हुआ होगा, कुछ हुआ होगा. सो कंपेरेटिव डिलीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. व्हेन समवन सेज दैट दिस मैंगो इज बेटर, विद रेफरेंस टू व्हाट? विद रेफरेंस टू टेस्ट, विद रेफरेंस टू साइज, विद रेफरेंस टू कलर, विद रेफरेंस टू rice, whatever it can be. Comparative deletion maximum use किया जाता है life में, because people always have a tendency to compare. She is looking more beautiful. With reference to whom? Like you, हर एक का एक baseline comparison हमेशा होता है हर चीज में. So whenever someone is trying to say that yes, you are looking better today. With reference to what? Yeah, how exactly do you know? यहाँ पे आपको source of information ये मिल जाएगा कि मतलब ये वाला, ये जो इंसान है ये रोज तुमको देख रहा है. You are looking better today. मतलब ये जब रोज तुमको देख रहा है तभी तो तुमको, तभी तो उसको पता चल रहा है ना कि you are looking better today. Notice, हाँ. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से सामने वाले को क्वेश्चन पूछते हो. इसके प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा अच्छी तरह से करोगे उतनी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी. बट ट्राई टू फाइंड आउट हाउ एग्जैक्टली यू कैन पुट इट. ओके, आई हैव मेड फ्यू सेंटेंसेस फॉर यू. एनएलपी इज बेटर, एनएलपी इज बेटर, रेस्पॉन्स स्टेटमेंट बताओ. In comparison to which? Yeah, in comparison to which? Reference to. With reference better to than what? Better than what? Second, it's this is far more efficient. As compared to what? You look happier. Happier compared than. To
compared to you look happier. Happier than when? Yes. You look happier. Then he is more tolerant. In comparison to whom? Green is calmer. Green is calm. Chalo, aur aasan. लोग कंपैरिजन के मोड में ही ज्यादा आते हैं हमेशा. कंपैरेटिव डिसीजन लोगों को बहुत जल्दी समझ में भी आता है. With reference to whom? जी. तो अब खुद के sentences कुछ यहाँ पे बनाओ. We are putting up a small exercise. कितने लोग हैं? 28. Five. So here you go into the rooms. Room 3. जिसको जो जो रूम मिली है प्लीज ज्वाइन दैट रूम. हर रूम में मैं आके अलग अलग सेंटेंसेस बताने वाला हूँ. So here I come to room number 1. Okay. आ गया room number 1 पे. आपके लिए questions हैं comparative deletion के लिए. मैं यहीं पे बता देता हूँ, आप लोग लिख लो. You look happier. He is more sensitive. He is more sensitive. Blue is better. Blue is better. Her teeth are sharp. Teeth are sharp. ये आपके लिए हो गया. ये आपको अभी आपस में आप डिस्कस कर दो एंड इसके कंपैरेटिव डिलीशंस बनाने हैं ना. आपको खुद हाँ वो आपको खुद करने हैं. यस जी. एंड देन वी विल बी पुटिंग अप अ कार्ड. अब आपके लिए क्वेश्चंस आ गए हैं. देखो क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए. नॉमिनलाइजेशन के लिए है. लाइक आई वॉन्ट अ रिकॉग्निशन जब हम कहते हैं तो हाउ डू यू वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज. जब लोग कहते हैं ना कि कल हमने जब देखा था दैट यू आर अ फूल, हाउ एग्जैक्टली शुड आई बी, हाउ एग्जैक्टली शुड आई बिहेव टू प्रूव दैट आई एम गुड. आपके लिए क्वेश्चन है. वी हैव मेड आवर डिसीजन. सेकेंड है देयर इज नो रिलेशनशिप. सेल्स डोंट वर्क. एंड फोर्थ विल बी ही मेक्स अ बैड इंप्रेशन. ये आपके लिए क्वेश्चंस थे. सेल्स डोंट वर्क. नाउ आई एम गोइंग टू अदर रूम. लास्ट वन ही मेड अ बैड. ही मेक्स अ बैड इंप्रेशन. ही मेक्स अ बैड इंप्रेशन. अनस्पेसिफाइड वर्ब्स, क्योंकि जैसा हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक शी रिजेक्टेड मी. अगर हम लोग कहते हैं तो उसका क्वेश्चन आता है दैट हाउ एग्जैक्टली डिड शी रिजेक्ट यू. प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए दो मिनट के लिए. द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इज ही डिड इट. Second is, I calmed the customer down. Third, I like him. Fourth, he made her leave. Okay, I'm going to room number 4 now. What was the last? He made him? He made her leave. Made her leave. हाँ.
So there is a question for you. अनस्पेसिफाइड नाउन्स का हम लोग देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल लोग जब जनरली कहते हैं कि आई वॉन्ट अ चेंज, देन द एग्जैक्ट क्वेश्चन शुड बी लाइक वॉट चेंज स्पेसिफिकली. तो अभी आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अनस्पेसिफाइड नाउन इन दैट. आई वॉन्ट द रिपोर्ट टुमारो. देन सेकेंड क्वेश्चन इज I want the report tomorrow. Then second question is, I need a new car. Third is, I want a computer. And talk to the customer. इन सबके आपको ये सारे unspecified nouns हैं जो समझ लीजिए आपको किसी ने बोले हैं. तो आप इसके लिए क्या रिस्पॉन्स दोगे आपकी भाषा में, ये आपको करना है. नाउ आई एम शिफ्टिंग टू रूम नंबर 5. ओके सो 5 हियर इज मोर ब्यूटीफुल. आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस. वेट, रूम नंबर 5, यू हैव सेपरेट सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू. ओके आपके लिए क्वेश्चंस है डिलीशन, सिंपल डिलीशन में. सिंपल डिलीशन में जैसे कहते हैं कि आई एम अनहैप्पी, देन यू डायरेक्टली डिलीटेड दैट अनहैप्पी अबाउट व्हाट. तो अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आई एम सैड. व्हाट एग्जैक्टली? अभी मत बोलिए आंसर. आपके आंसर्स आपके पास बनाए रखिए. Second question is, I feel curious. Yes. Okay, questions apne paas bana ke rakhiye. Then we can manage. Manage. Then I don't want to. And you can't. ठीक है, अब आपके ये क्वेश्चंस हो गए हैं. आप आपके आंसर्स तैयार रखिए. वेरी सून वी विल बी मीटिंग इन द कॉमन रूम एंड ट्राई टू टेस्ट कि किसको कितना आया है, किसको कितना आ रहा है. काम्या, आर यू देयर? काम्या भंडारी, चलो कोई दिक्कत नहीं. ओके, सो नाउ आई बिलीव यू ऑल आर राइटिंग योर आंसर्स एंड बी प्रिपेयर्ड विद योर आंसर्स बिकॉज नाउ वी विल बी Everyone, please join in the main room. Everyone, please join in the main room. It's okay, Kamya, not a worry. सभी लोगों को अपने अपने रूम में क्वेश्चंस मिले थे. Why people are still in their rooms? टोटल अपने पास 25 लोग थे. ओके, नाउ ओनली रूम वन आपके जो क्वेश्चंस थे, आप क्वेश्चंस बताओ एंड रूम 2 विल आंसर दोज क्वेश्चंस. रूम 1 कम अप विथ योर फर्स्ट क्वेश्चन,
तब तक सब लोग अपने आप को म्यूट रखो। रूम वन में कोई भी एक सारे क्वेश्चंस को पिकअप कर लो, डोंट स्पीक एट द सेम, सभी लोग एक साथ बात मत करो। यू कैन चूज अ पर्सन हुम सो एवर यू वॉन्ट, एंड उस रूम वन में से कोई भी एक सवाल पूछेगा, एंड रूम टू में से जवाब एक ही इंसान देगा जो भी देना चाहे। जब सब लोग देते हैं तो भी एक एक करके जवाब दो, बाकी अपने आप को म्यूट रखो। सो रूम वन कम अप विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। Room 3. कौन इन कंपैरिजन टू हूम एज कंपेयर टू व्हाट बराबर है अनु सर हमने आपको कौन सा बोला था सिंपल डिसीजन बोला था कंपैरेटिव डिसीजन बोला था यस सर तो कंपैरेटिव डिसीजन का आप इनको बोलो कि आपको कंपैरेटिव डिसीजन करना है सर ये वाला सेंसिटिव वाला तो ठीक था इनका ओके Third question, room one, and please tell that what it exactly has to be done. Comparative deletion करना है करके बता दो. Third question. Blue is better. Comparative deletion करना है. कौन बताएगा? Room three. In reference to what? In comparison to which color? Room four. Same answer. कैसे सीखोगे आप लोग इट्स लाइट और डार्क ब्लू बेटर देन व्हाट आपको क्या लगता है रूम वन इज द आंसर राइट और रॉन्ग तो हम सब ने यूनानिमसली लिखा था बेटर देन व्हिच कलर बेटर देन व्हाट हां बेटर देन व्हिच कलर अनुपमा शी सेड ना ब्लू कलर room number 3 कौन पहले बताएगा I am sad. About what? For what? Perfect. Second question, room number 5. Simple deletion for I feel curious. Curious about what? About what? Room number 5, fourth question. I don't want to. Simple deletion. Room number 3, answer. I don't want to. Exactly what? Room number 4, first question and methodology. Room number 4 ka first question kaun sa tha? I want a report to tomorrow. Okay, and that was, I believe, a pronoun, noun, unspecified noun. So, samne wale ko batana hai answer. Maybe you can help with one of the answers so that others can understand. इसका आंसर होगा कि फॉर हु व्हाट पर्पस यू नीड द रिपोर्ट व्हाट डू यू वांट इन द रिपोर्ट या व्हिच रिपोर्ट एग्जैक्टली बिकॉज रिपोर्ट इज अ अनस्पेसिफाइड नाउन व्हिच रिपोर्ट एग्जैक्टली वो हो सकता है खाने पीने का रिपोर्ट मांगे या ऑडिट रिपोर्ट मांगे व्हिच रिपोर्ट एग्जैक्टली बिकॉज अनस्पेसिफाइड नाउन्स जब आते हैं तो यू हैव टू आस्क You have to get the exact information that what is needed. Second question, कौन सा था ध्रुव आपके टीम में? I need a new car. इसका आंसर कौन बताएगा? बहुत बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे इसके. Which car? When do you need it? Which car? Which color? Of which color? Which brand? Which brand? Yes. Which model? Yeah. Why do you need it to be? Why do you need?
नहीं, यहाँ नाउन है, अनस्पेसिफाइड नाउन ही फाइंड करना है. यू डोंट हैव टू क्रॉस क्वेश्चन अनस्पेसिफाइड नाउन, बिकॉज नाउन हमेशा क्या बताता है, टेल्स अबाउट अ पर्सन प्लेस और एनीथिंग. हियर वी हैव टू जस्ट फाइंड द अनस्पेसिफाइड थिंग. एंड लोग अनस्पेसिफाइड भाषा में बहुत ज्यादा बात करते हैं. आई नीड अ कार टुमारो. कौन सी कार बुकिंग के लिए चाहिए, नहीं तो आप ट्रेवल वाले सर. इसका एग्जांपल एक इसमें भी आया, देखा था ड्यूरिंग सम टीवी इंटरव्यू, विराट कोहली कोटेड रोहित शर्मा, उसका नॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है, उधर से ये पकड़ाना, वो तुम अपने आप सोचो किधर से क्या पकड़ाना. there is one wonderful statement in Marathi, I'll quote it off the समझने की कोशिश करोगे ना, that how exactly people are speaking, you will see that unspecified nouns में बहुत ज्यादा बात करते हैं. कि क्लास में ना सभी बच्चों को बहुत कम मार्क्स मिले, एक सभी बच्चों को पूछोगे तो फिर वो इसमें कंपेरेटिव डिसीजन में आ जाते हैं. अच्छा इसमें अनस्पेसिफाइड नाउन नहीं था, मेरे दोस्त को भी ना बहुत कम मार्क्स मिले. जब आप उससे पूछते हो कौन से दोस्त को, तो फिर वो नाउन पे आ जाएगा. अगला अनस्पेसिफाइड नाउन का क्वेश्चन कौन सा था ध्रुव सर आपका? टॉक टू द कस्टमर. ओके, कौन बताएगा इसका आंसर? टॉक टू विच कस्टमर. विच कस्टमर, व्हाट एग्जैक्टली, व्हेन एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली. तो इस तरह से जब आप आपके खुद के सेंटेंसेस बनाओगे तो यू विल सी दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर. अभी अपना रूम नंबर 4 बाकी है शायद फॉर पुटिंग अप द क्वेश्चन 2. सो रूम नंबर 2 विल कम अप विद देयर क्वेश्चंस एंड रूम नंबर 5 विल आंसर द क्वेश्चंस. 3-2. हां ये तो तुमच्याकडे पण येतो. रूम नंबर 2 कम अप विद योर क्वेश्चंस. डॉली यू आर इन रूम नंबर 2 बाय आई बिलीव. या सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज वी हैव मेड आवर डिसीजन. What was it? What was to be made in that? You haven't mentioned yet. We have made like both of them. Like we have made our decision. So uske liye kya kiya hai? Usme nominalization aapko karna hai. Simple relation. Haan. To aap uska answer kya bataoge? About what? Exactly what? About what? When exactly? Because you have to find out the information. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? There is no relationship. Between whom? How exactly? But between whom will be much appropriate. Yes, sir. Between whom will be much appropriate. Third question कौन सा था? Sales doesn't work. But how exactly? Exactly how? Yes. Fourth question कौन सा था? He makes bad impression. हाँ, he makes bad impression. How exactly? What exactly? About what? What exactly? अगला question, अगला किस कौन से room का बाकी था? सर आपने हमें भी दिए थे. यू गेव क्वेश्चंस टू अस टू. हाँ हाँ बोलो ना. यस हाँ लाइक ही डिड इट क्या करना था एग्जैक्टली व्हाट यस क्वेश्चंस में ही मॉडल्स ही डिड इट तो आएगा ना. हाँ बट आपको करना क्या था सर? आपने मेंशन तो नहीं किया था. मेंशन नहीं किया था क्या? नहीं सर, हमने खुद ही किया था. आंसर्स हमने खुद ही लिख लिए थे सर. हमारा रूम का भी एक क्वेश्चन रह गया है सर. हाँ पूछो ना प्लीज. हर टीथ आर शार्प. हाउ एग्जैक्टली, हाउ मच? कंपैरिजन डिलीशन करना था. कंपैरेटिव. या हाँ सर. कंपेयर टू होम. द सेकंड क्वेश्चन हाँ
आई काम द कस्टमर डाउन. हाँ ये अनस्पेसिफाइड वर्ब में आपको करना है. आई काम द कस्टमर डाउन. एग्जैक्टली हाउ. हाउ एग्जैक्टली. हाउ एग्जैक्टली. इन विच मैनर. इन विच मैनर. हाँ चलेगा. बट हाउ एग्जैक्टली कहोगे तो और ज्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा. ओके. थर्ड क्वेश्चन कौन सा था आपका. आई लाइक हिम. आई लाइक हिम. ओके. हाउ एग्जैक्टली. व्हाई एग्जैक्टली. या व्हाट डू यू लाइक इन हिम. व्हाट एग्जैक्टली. व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक. अबाउट व्हाट. व्हाट लाइक हिम. आप बोलोगे ना. अबाउट व्हाट. अगर आपने कहा अबाउट हिम डू यू लाइक. व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक इन हिम. आपने आपने अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश की तो भी आपको अब तक बस वहीं पे व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक अबाउट हिम. या सिंपल वर्ड्स में रखो. हां या सर हमने ऐसे भी लिखा आई लाइक हिम. अबाउट व्हाट. आई लाइक हिम. नहीं अबाउट व्हाट क्या होगा. अबाउट व्हाट कुछ नहीं आएगा ना. व्हाट अबाउट हो सकता है. व्हाट एग्जैक्टली. व्हाट अबाउट हिम. व्हाट अबाउट. व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक अबाउट हिम. व्हाट एग्जैक्टली यू लाइक. हां हां. एंड द लास्ट वन इज he made her leave. हाँ, he made her leave. how exactly. how exactly. how exactly. when exactly. from where. yeah for what. for what he made her leave. for what exactly. for what exactly. तो ये exercise I'm sure ठीक ठाक लगी होगी सबको क्योंकि जब तक आप nice okay brainstorming नहीं करोगे तब तक अलग अलग चीजें पल्ले नहीं पड़ती है. यहाँ पे I would put a short note कि आप सब लोग है ना ये थोड़े से पॉइंट्स लिख लीजिए. मेटा मॉडल कहाँ यूज किया जाता है एंड कौन से क्वेश्चंस उसमें यूज करने चाहिए. ऑफ कोर्स आई शेयर दिस नोट्स विद यू बट स्टिल आई वांट यू टू राइट इट डाउन सो इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. मेटा मॉडल क्वेश्चंस यूज देम टू. फर्स्ट इज specify the information. Clarify the information. And third biggest positive point about meta model is it helps us to explore the person's internal world. कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. Repeat. First is specify the information. Second is clarify the information. Third is opening up the person's internal world. उसके दिमाग में क्या खुरापात चल रही है. Because when you ask the question in the meta model form, the person can't escape it. अब meta model में जो questions use होते हैं maximum. ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं. आई लिस्ट आउट फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्ट इज हाउ. व्हाट. व्हेन. वेयर. हु स्पेसिफिकली. ये कुछ कॉमन क्वेश्चन जो है ना वो मैं शेयर कर रहा हूं आपसे. सबसे पहले व्हेन स्पेसिफिकली. हु सेज. अकॉर्डिंग टू हूम. अब क्वेश्चन वाले क्वेश्चन जो है जब कहते हैं कि ऑल द पॉलिटिशियंस आर करप्ट तो जैसे कहते हैं कि ऑल एंड क्वेश्चन मार्क. इस तरह का अभी आंसर ये बताता हूं. एवरीबॉडी. ऑलवेज. आपकी टोनालिटी भी मैटर करती है उस टाइम पे. नेवर. नोबडी. नथिंग. ऑल. No one. जब कोई कहता है ना no one believes me, आप उसको बोलो no one. बोलेगा नहीं नहीं few people believe in me. वो few people का फिर बाद में आप कचुंबल बना सकते हो कि क्या information निकालनी है वो few people से, किसके बारे में क्या information है. Then फिर और एक आता है जब लोग कहते हैं कि
Like, I don't want to go there. I don't want to do that. Ya kuch bhi. So, aap generally aap bolte ho na, what do you mean by that? Like, I'm a shrewd, like, he's a shrewd person, for example. He's a shrewd person. What do you mean by that? Jab aap puchoge, to usko samne wale ko wo shrewd kyun hai, ye batana padega aapko. Office mein generally jab aap gossip karte ho, to ye bahut zyada use hota hai. Backbiting mein, gossiping mein, wo na wo bahut chalu hai. What do you mean by that? Usko wo aana padega samne se answer. Because just taking the information upfrontly, ki haan isne bol diya isliye wo chalu hai, aisa nahi hai. This medicine is really good. According to whom? Exactly how? जब आप देखोगे तो यू विल सी दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर. और भी दो तीन क्वेश्चंस देता हूं, इट विल हेल्प यू. देन कंपेयर टू होम, कंपेयर टू व्हाट? थोड़ी दिखने की तकलीफ होगी बट आई वांट यू टू राइट इट. फिर आता है हाउ डू यू नो. For example, कुछ लोग बोलते हैं I want to stop smoking. What exactly stops you from smoking? How do you stop yourself from smoking? How do you stop? How do you stop yourself? What would happen if you could smoke, if you could stop smoking? What would happen if you did? And what would happen if you didn't? ये last के जो questions है, how do you know से लेके, they can be more helpful for you when you are working with a client, especially when he or she wants to come out of any sort of addiction or some sort of issue, which they are finding it to get a solution since long time. Then all भी बोल सकते हो, tell me more. What does that mean? अब यहां पे एक सबसे अच्छा लास्ट वर्ड आएगा जो हम हिंदी में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं. जब सामने वाला जब कुछ इंफॉर्मेशन बताता है ना, स्पेशली लेडीज विल अग्री विद दिस. गॉसिप जब होते हैं ना बहुत ज्यादा, और सब कुछ सुनेंगे फिर भी बाद में और बोलेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन निकालना है सामने वाले से. इंग्लिश में एंड यूज किया जाता है. और बताओ भी नहीं बोलते, सिर्फ और बोलते सर, और नहीं जी. हाँ, सिर्फ सर, और नहीं था जी. हाँ, सिर्फ और पे बोल के रुक जाते हैं. एंड 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 और वो क्वेश्चन, सो दैट हेल्प्स यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. मतलब उसके मन में नहीं होगा तो भी सामने वाला बता देगा, या तो मिर्च मसाला लगा के बता देगा, बट बता देगा. बहुत कॉमन है वर्ड और एंड. ये ऐसे वर्ड्स है जो आपको इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत आसान है. और फिर मतलब बिना ज्यादा मेहनत किए आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो. जब सामने आपका बच्चा जो स्कूल से आता है, मैं ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, और तो और ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे. एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ थेरेपी इफ समवन इज नॉट स्पीकिंग. Taking it positively, if someone is not opening their mind, you can use these words, especially and or Hindi wala or. To samne wala bolne ki koshish karna shuru karta hai. Because they feel that yes, you are at the same level, same pacing pe aa jate ho, and results jaldi milenge aapko. So try to speak these words in a good way so that you can get right amount of information, you can extract the right information for yourself. And then things get better. So try to speak in your own language. Try to get more and more information so that things get better for you. Jitne zyada aap karoge, utna zyada aapki life aasan ho jayegi. Sir, agar koi agar aisa soch karke bole, agar zyada puchna hai to jaise have you any idea what did you done? What have you done?
हाँ तो आगे मतलब व्हाट एग्जैक्टली exactly, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है दैट डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट एग्जैक्टली हैव यू डन. बट ये जनरली हम लोग पूछते हैं किसी को जब ये डांटना होगा तभी, क्योंकि उसने या तो बहुत बड़ा नुकसान किया होता है या तो भूल गया होता है किसी चीज को कि लाइक घर पे बच्चे की बर्थडे पार्टी और आपके हस्बैंड भूल गए ऑर्डर देना, तो आप ये डेफिनेटली बोलोगे. Do you have any idea that what exactly you have forgotten? आपका खुद का बर्थडे अगर भूल गए, गिफ्ट लाना भूल गए, तो आप डेफिनेटली यूज करोगे. How come? किसी को डांटना होता है. How come ना? Sir, it's based on the experience. No, no. How come you? If somebody says, then you say, how come? How come? Then, yes. तो वो एक्सपीरियंस तो उस वक्त इनको सामने वाले को आंसर भी देने को आना चाहिए ना दैट हाउ एग्जैक्टली बिकॉज यू हैव नॉट ऑर्डर्ड बिकॉज यू हैव नॉट डन दिस थिंग्स. तो आंसर्स के जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो यू विल सी दैट यू आर एबल टू गिव राइट आंसर्स इन द राइट वे. बट इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी खुद की वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी, आपका खुद का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता जाएगा, एंड देन यू विल सी दैट थिंग्स आर गेटिंग मच मच ईजी. तो यहां तक हमने मेटा मॉडल किया, मैं इसका शीट भी शेयर कर दूंगा. अब मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर समथिंग, किसी के पास अभी है क्या दो चेयर्स जो अरेंज कर पाएगा? ले आऊं? है ना जी. चलो, कौन लेके आएगा आपके पास? मैं लाता हूं. मैं लाता हूं सर. ओके. कुर्सी कुर्सी बैठने के लिए सर. हाँ जी. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मैं बिल्कुल. आज आपसे कॉल किया था ना सर, आफ्टर दोपहर को. हाँ. तो मेरे हस्बैंड को मैंने बताया था ओवर द कॉल, और कल क्लास में क्या हुआ था आप लोग इतना हंस रहे थे ऐसे भी पूछ रहा था हस्बैंड. हाँ. तो उसको बताया था कि डिलीट दिस और वो था क्लास में. हाँ. फिर बाद में वही आपसे जो डिस्कस किया था वही डिस्कस करते करते मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर ही ये मेटा मॉडल ट्राई कर लिया और बोल दिया देखो तुम्हारा क्लास का तुम कैसी कर. हाँ चलेगा सर. आप आपको आपको कंफर्टेबल होना चाहिए. ओ, आपके सामने वाला चेयर होना चाहिए एक. हाँ अभी आप एक चेयर में बैठ जाओ और वो चेयर आपके सामने दे दो जो दूसरी वाली चेयर है ना. यू सिट ऑन वन चेयर. हाँ एंड एग्जैक्टली आपके सामने, आपके सामने दे दो उस चेयर को. हाँ एंड नाउ द कैमरा इज साइडवेज. कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड आउट एनी इश्यू विच यू वांट टू रिजॉल्व विद समवन. हो सकता है वाइफ हो, मम्मी डैडी किसी के साथ भी कोई भी ऐसा इश्यू अगर दिमाग में है, एंड यू डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग. अगर इश्यू दिमाग में है, हो गए बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं. क्लाइंट्स भी चलेंगे. क्लाइंट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. बट क्लाइंट बहुत सारे होते हैं, घर का रिलेटिव एक आधा ही होता है जिसके साथ इशू होते हैं. क्लाइंट तो 1760 होते हैं. आई वुड से फर्स्ट ट्राई विद द पर्सन हुम यू रियली नो क्लोजली, इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. बाकी आपकी मर्जी. ओके ठीक है सर. जो भी होगा बिकॉज यू डोंट हैव टू टेल मी, यू डोंट हैव टू टेल एनीथिंग इन द क्लास. Now, right. Next 2 minutes, what you have to do is, whatever issue you have with that person, visualize as if that person is sitting exactly in front of you in the chair. Speak with that person. Muh zuban band karke, sirf dekhna hai saamne ki wo insaan baitha hua hai. Aap usko jo bhi bolna hai na, saare tere ye galti hai, wo galti hai, jo bhi bolna hai, sab bol do usko. Aur usko batane ki koshish karo ki kya hai. Speak. Take your time for 2 minutes. You have all the time on the earth for next 2 minutes. मन की भड़ास निकाल दो बेसिकली. हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
जब हो जाए तब बता देना। डन हो गया जी। अभी अभी नाउ यू सिट इन दैट चेयर एंड बी दैट पर्सन। ओके बैठ जाओ वहां पे। हाँ नाउ यू आर दैट पर्सन टू होम राजेंद्र हैज स्पोकन व्हाटएवर ही वांटेड टू स्पीक। अब सामने राजेंद्र को विजुअलाइज करो एंड यू गिव आउट योर पॉइंट एज अ एज दैट पर्सन। राजेंद्र ने आपको बोल दिया नाउ यू आर दैट पर्सन। एक्सेप्टिंग माय एक्सेप्टिंग द कन्वर्सेशन और रिजेक्टिंग इट। यू ट्राई नाउ यू आर दैट पर्सन। यू हैव टू पुट योर पॉइंट टू राजेंद्र। Whatever okay. Rajendra has said, you have to right. put your point. सामने विजुअलाइज करो कि राजेंद्र बैठा हुआ है। सर मैं इस एक्सरसाइज के 25,000 रुपए लेता हूँ 2 घंटे के। Right sir. And it works. वापस वहां जाओ राजेंद्र की जगह पे। नाउ अगेन बी राजेंद्र। नाउ व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट व्हाट एवर कंप्लेंट्स यू हैड। आप सामने कैमरा के सामने आ जाओ। ये लंबी थोड़ी एक्सरसाइज होती है बट एटलीस्ट वी वांट टू गिव अ ट्राई कि अब जब आप राजेंद्र बनकर जब भी बैठे थे आपने सामने वाले इंसान को जो भी बोला होगा। नाउ व्हाट एवर यू हैड टोल्ड इनिशियली and now when the other person has explained his point of view also, what do you think about your points now? So, hum dono apni apni jagah justified hain. Hmm. And dono ko hi kuch na kuch let's say emotional compromises karne ki zarurat hai. Hmm. So what do you think should be the next step from your side now? Apni galtiyan kam karna pehle to. ताकि सामने वाले की तो उसने जो भी उसने सामने वाले इंसान ने जो भी तुमको बताया हाउ मच परसेंट डू यू एक्सेप्ट इट दैट यस इट नीड्स टू बी चेंज्ड। नीड्स टू बी चेंज्ड पे आई एक्सेप्ट 100%। ओके एबिलिटी टू बी चेंज्ड पे मेरे को हमेशा वो रहता है। एबिलिटी जब नीड टू बी चेंज्ड जब आपके दिमाग में बैठेगा कि दिस आई नीड टू वर्क ऑन दिस सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद वो तो 100% होता है। हाँ, सर देन व्हेन 100% सबका नहीं होता है ना। सब लोग यही होते हैं ना कि अरे आई डिडंट न्यू दैट इवन डेड पीपल ब्लीड। नहीं सर रिश्ते बचाने हैं। हाँ तो अगर रिश्ते बचाने हैं तो डेफिनेटली नाउ व्हेन यू हैव लिसेंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर पर्सन व्हाट आर दैट एरियाज वेयर यू कैन इम्प्रूव अपॉन। राइट इट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर। Try to analyze what exactly you can do to improve on those areas. Probably you might not have even given a thought about improvement on that areas from a different perspective. तो इस exercise को और 2-3 बार भी करोगे ना तो probably you might even get an answer from that person that on exactly which areas you need to improve. अभी सामने वाले ने बस आपको सामने वाले ने पॉइंट ऑफ व्यू बताया है बट अगर वापस आप अगर 2-3 बार ये एक्सरसाइज खुद के लिए करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ऑफ द अदर पर्सन दैट वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। बिकॉज हियर यू आर रेडी टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स। तो अगर वो ठीक करने हैं तो आपको सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एक्सरसाइज इज टर्म्ड एज अ वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज। It's a very powerful exercise which is used even in the corporates. किसी product launch से पहले किसी decision making से पहले हर चीज के लिए use की जाती है। यहाँ पे और एक chair extra add करके इसको और powerful किया जा सकता है जो हम लोग कल करेंगे। So that you also have a third person as a critic to find a solution. ये even doctors कर सकते हैं at times before taking a call on a major surgery or major things. क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार हम एक चीज को अपनी तरफ से देखते हैं
But if we see it from a critic's point of view also, probably your own subconscious mind will come up with something different. And you will see that the solution is easy. Hum generally kya karte hain? We only see the things from our own perspective. But when you put up two chairs extra, पहले तो एक chair में करोगे तो सामने वाले से बात हो सकती है कि क्या है. But if you even put up a critic's chair, critic might come up with something different, which is beyond your imagination and which is even beyond the third, the second person's imagination. तीन chair में exercise होती है हमेशा. A person, जो फिर सामने जो कि जिसको हम लोग क्या प्रतिवादी इंग्लिश में हिंदी में जो कहते हैं एंड एक क्रिटिक क्योंकि क्रिटिक जो होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है एंड ही इज ऑलवेज अनबायस्ड क्रिटिक्स आर मोस्टली अनबायस्ड दे गिव देयर ऑनेस्ट ओपिनियंस कि तू ये तेरे भी गलती है तो तीन चेयर्स में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो और आसान हो जाता है आपको सोल्यूशन निकालना. Now, when you have understood the point of view of other person, Rajinder ji, try to find out what exactly you can do. Ya fir wapas ye POV ka exercise wapas kar dijiye to understand that what can be the POV of the person where you can work. Probably the unexplored area of your life. Ho sakta hai kabhi aapne us baare mein socha hi nahi. Aam meetha hota hai, ye sabko pata hai. बट आम लाल कलर का होके भी मीठा हो सकता है ये बहुत कम लोग जानेंगे. ये बैंगलोर वाले लोगों को पता होगा क्योंकि वहां लाल आम मिलते हैं. महाराष्ट्र कर्नाटक के लोग वी कॉल इट सिंदूरी आम. हाँ महाराष्ट्र कर्नाटक के लोग वही भोपाल इंदौर साइड में चार चार पांच पांच किलो का आम भी आता है बड़े आम है. तो हर जगह लोगों का परसेप्शन अलग होता है. इसका एक एग्जाम्पल वो भी है ना कि नीचे फर्श पे जैसे सिक्स लिखा है तो हाँ, हमें सिक्स दिख रहा है लेकिन सामने वाले को नाइन दिखता है. तो इसका मतलब कहने का वही है जो हम हमेशा बोलते हैं कि तुम मेरी जगह आकर देखो मतलब हाँ, अपने को सामने वाले की जगह रख के देखो कि हम अगर उसे कुछ कह रहे हैं तो उस पर क्या बीत रही है. हाँ, ये बोलना आसान होता है बट जब आप एक्चुअली एक्सरसाइज करते हो ना तो बहुत बार मैंने देखा है लोगों की आंखों से पानी निकलता है क्योंकि ये बोलना बहुत आसान होता है. इधर मेरी जगह में आके देखो फिर पता चलेगा. जब एक्चुअली ये एक्सरसाइज आप कुर्सी पे बैठ के करते हो एंड यू डू इट सीरियसली यू विल सी दैट प्रोबेबली यू माइट स्टार्ट क्राइंग क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है व्हेन यू डू इट लाइव फॉर योरसेल्फ. इससे रिलेटिव स्टोरी एक है ना सर कि शायद आपने सुनी होगी या पता नहीं कि एक, एक मतलब किंग थे उन्होंने एक पेंटिंग लगवाई रोड पे ऐसे तो सबको पूछा कि इसमें क्या क्या गलती है बताओ तो हाँ. सबने आकर बताया कि इसका नाक बड़ा है किसी का आंखें अच्छी नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं. तो फिर जिन्होंने जो भी कहा उनको एक मतलब एम्प्टी ऐसा पेपर दिया और कहा कि अब तुम इसको से बेटर बनाकर बताओ जो जो भी हाँ. कमी है कोई नहीं कर पाए. कहते कमी कमियां निकालना बहुत ईजी होता है हाँ. लेकिन उससे अच्छा बिल्कुल ऐसा कभी बनाओ कि उसमें कभी कोई कमी नहीं हो तो मतलब रियलाइज होता है कि हाँ कमी निकालना बहुत ईजी होता है किसी में भी. तो इसी तरह से जब यह एक्सरसाइज आप खुद भी करोगे घर पे करोगे घर वालों के लिए करोगे तो मेरा एक्सपीरियंस. हाँ जी सर. यस मेरा एक्सपीरियंस. हाँ जी सर. जब पहली बार मैं यूके में गया हाँ जब ट्रेनिंग में था हाँ तो जब टीचिंग होता है रेगुलर टीचिंग होता है हाँ हाँ तो प्रोफेसर ने बोला कि यू आर एग्जामिनर नाउ. हाँ. अब दूसरा बंदा ये पेशेंट को एग्जामिन करता है यू विल टेल मी हाउ ही इज डूइंग. यस तो उसने एग्जामिन किया एग्जामिनेशन ऑफ नी जॉइंट मैंने देखा खत्म हुआ बाद में प्रोफेसर ने पूछा टेल मी अबाउट दिस थिंग. तो मैंने पहले से चालू किया कि भाई इसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया उसने ये नहीं किया. उसने कहा बंद हो जा उसने पहले क्या अच्छा किया है वो बता मुझे. तो हमको ऐसे ही ट्रेन होता है कि हम गलतियां निकालते हैं. अगर पहले से वहां यूरोप में और यूके में जिसका पॉजिटिव पॉइंट है वो पहले चालू करते हैं ना. ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट ही इंट्रोड्यूस्ड विद द पेशेंट ही टेल हिमसेल्फ ही एक्सप्लेन टू द पेशेंट ही डिड नॉट हर्ट टू द पेशेंट एंड ही वाज सो काम एंड सो जेंटल विद द पेशेंट ही एग्जामिन ऑल द टेस्ट एक्सेप्ट दिस टेस्ट दैट्स ऑल. बट
फेटिक वाली एक्सरसाइज बहुत सही तरीके से अपने खुद को, खुद की गलतियां इन द सेंस कमियां, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ये दिखाती है, बट ये उसी इंसान के लिए काम आएगी जो सच में इम्प्रूवमेंट चाहता है। इफ समवन, जो बोलते हैं ना लकीर का फकीर, चेंज ही नहीं होना चाहता है, नथिंग कैन बी डन फॉर दैट पर्सन। द ओनली थिंग, द ओनली पर्सन हु कैन चेंज इज ही हिमसेल्फ कैन चेंज। जिस दिन आप खुद चेंज होना चाहोगे उस दिन जिंदगी इमिडिएटली चेंज होती है। मेरे पास इवन न्यूमरोलॉजी या नेम करेक्शन के लिए जब लोग आते हैं तो वो पूछते हैं कि हमको रिजल्ट कब मिलेंगे नेम करेक्शन के बाद। मेरा सिंपल आंसर यही होता है उनको, जिस दिन आप बिलीव करोगे कि ये नाम आपको लागू पड़ा है, लागू पड़ेगा, उस दिन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, वरना रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। लाइक विदाउट कोटिंग एनीवन्स नेम, आई हैड अ पेशेंट कह सकते हैं, क्लाइंट कह सकते हैं, कुछ भी। उस बंदे को एक्जिमा था ऑलमोस्ट 8-9 सालों से। एक्जिमा में से मतलब इतना ज़्यादा था कि खुजली होती थी, पानी मतलब पानी निकलता है जितना एक्जिमा में से गीला होता था। ही हैड ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन एंड आई एम पुटिंग इट ऑन द रिकॉर्ड क्योंकि उनका टेस्टिमोनियल है अपने पास। ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट, नहीं हुआ। 6 महीने पहले नेम करेक्शन किया, जो भी है नेम करेक्शन का लॉजिक होता है उसके पीछे। टुडे दैट पर्सन इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम एक्जिमा, ऑलमोस्ट 90-95% एक्जिमा पूरा जा चुका है। अब इसमें मेरा कुछ था क्या? नहीं। वॉट मैटर्ड मोस्ट इज, यस, न्यूमरोलॉजी प्लेज इट्स इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज एवरी नंबर हैज अ वाइब्रेशन एंड यू वाइब्रेट एट दैट नंबर। बट इम्पॉर्टेंट ये भी था कि आप उसको क्या कॉन्फिडेंस दिलाते हो दैट ये काम करेगा। उसको आप प्लेसिबो इफेक्ट कहो, न्यूमरोलॉजी का इफेक्ट कहो, कुछ भी कहो, वॉट इम्पॉर्टेंट इज यू आर डिलीवरिंग अ रिजल्ट। एंड रिजल्ट्स, मेरे हिसाब से रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आपका, जो भी आपका थेरेपिस्ट हो, डॉक्टर हो, व्हेन ही इज एबल टू गिव यू दैट पॉजिटिव बिलीफ इन अ सिंगल लाइन दैट यस यू कैन डू इट, वो डेफिनेटली हो पाता है। जब बेटे बच्चे को, छोटे बच्चे को जब उसके माँ बाप एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि बेटा तू ये कर सकता है तो ही कैन डू इट, बाकी उसको दुनिया जहां चीयर अप करे, बट अगर उसके खुद माँ बाप अगर उसको रोज बोलते सारे तू कुछ नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस दैट व्हाट प्लेसिबो इफेक्ट यू आर गिविंग टू द पर्सन। प्लेसिबो इफेक्ट पे पूरी एक किताब है और एक बुक बहुत अच्छी है, गट एंड माइंड कनेक्शन, इमरान मेयर साहब की बुक है। दैट बुक इज कॉस्टिंग अराउंड 6,500 रुपीज। कभी अगर मौका मिले तो ले लेना। डॉक्टर साहब आपको तो शायद लाइब्रेरी में मिल जाएगी वहां पर, गट एंड माइंड एंड गट कनेक्शन बाय इमरान मेयर, बहुत ही अच्छी बुक है, पढ़ने लायक है। एंड इट गिव्स यू अ वेरी सेटिस्फैक्शन कि किस तरह से अपना गट और माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जिन लोगों को आंखों की तकलीफ होती है आउट ऑफ द ब्लू बॉक्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर गट इज रॉन्ग, उनका खाना ठीक से नहीं पचता है इसलिए उनको आंखों की तकलीफ होती है। एंड आई हैव कंफर्म दिस विद वेरियस आई स्पेशलिस्ट। आंखों पे काम करना बहुत अच्छी बात है, बट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जब वीक हो जाता है तब भी आपकी आंखों पे तकलीफ होती है। जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, जो BN DN के चक्कर में पड़ते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग डिफरेंट ऑल्सो, ट्राई टू गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ रेगुलर BN DN। ह्यूमन एनाटॉमी जब तक नहीं समझ, पिछले न्यूमरोलॉजी के क्लास के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है जिनको बहुत ज़्यादा, अभी भी मैं सबको बोल रहा हूँ, डोंट गो फॉर नेम करेक्शंस इमीडिएटली अनलेस एंड अंटिल यू रियली अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी, और एल्स यू विल मेस अप विद समवन्स लाइफ एंड अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। सो डोंट प्ले विद ह्यूमन लाइफ विद न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी पावरफुल साइंस, इट कैन मेक और ब्रेक एनीवन्स लाइफ इन 5 मिनट्स। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लगेगा, अगर आप किसी का गलत नाम दे के देखो हफ्ते भर में उस इंसान के लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ लाइफ में। सो डोंट प्ले विद इट। सो जितने भी आप सेंटेंसेस यूज करते हो उसमें आपका प्लेसिबो इफेक्ट होना जरूरी है। यू शुड नो व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि आपका एक गलत सेंटेंस सामने वाले की जिंदगी बना भी सकता है, खराब भी कर सकता है। सो डोंट प्ले अराउंड विद द लाइव्स ऑफ पीपल। यूज राइट हिप्नोटिक कमांड्स
use right hypnotic set of questions so that you are able to extract the information. Agla even jo apna hypnosis ka class hai jo 24 tarikh se shuru hone wala hai, in that you will learn so many things that you will see a massive transformation in your own life. Ki khud ko bhi kaise self hypnosis karna hai wo bhi aap wahan sikhoge. Bahut sari cheeze hai us course ka, jis din launch karunga 5 September ko, us din aur pata chalega. But try to work on your own mind in such a way that you are able to build the confidence, and khud ke liye nahi dusron ke liye bhi. But khud dusron ko aap confidence tabhi de paoge jab aap khud confident ho, jab aapki khud ki language theek hai. Language theek matlab vocabulary achhi hai. When you have enough words to speak about something, mera dost matlab kya friend pe aise likhna hai तो एक लाइन में, मेरा सबसे बड़ा शत्रु ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बस बात खत्म. तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ एग्जैक्टली यू आर लुकिंग अबाउट. चाणक्य नीति देखते हो तो वो आपका सबसे अच्छा मित्र ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है. दिस इज व्हाट चाणक्य नीति सेज, बिकॉज इफ यू ट्राई टू टेल ऑल द सीक्रेट्स टू योर फ्रेंड, प्रोबेबली ही माइट टर्न आउट योर वर्स्ट एनिमी इन द लाइफ. The moment you surrender your secrets, you surrender your freedom. So ये आपको ध्यान में रखना होता है कि कितनी चीजें आगे देनी है, कितनी चीजें पकड़ के रखनी है. What to give, what information needs to be given, what information needs to be kept within you. तो ये आपके खुद के words ही बताते हैं. अगर आप बात करते करते अगर सामने वाले ने दो चार बार अगर and और पूछ लिया ना, तो आप पूरा वर्बल डायरिया कर दोगे. सो ऑल्सो हैव अ कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन यू आर स्पीकिंग विद पीपल, बिकॉज यू नेवर नो हाउ पीपल आर यूजिंग द हिप्नोटिक कमांड. भले उन्होंने एनएलपी नहीं सीखी हो, बट वो बोलने की जो कला होती है ना बहुत से लोगों की, वो बहुत स्ट्रांग होती है. एंड यू आर प्रोन टू डू द वर्बल डायरिया एट दैट टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो ध्यान से सुनो. And to be a good speaker, first learn to be a good listener. यहाँ पर maximum लोग गलतियाँ करते हैं, चाहे वो किसी भी field में हो. Because if you are not able to listen, you will not be able to speak. 2 घंटे लगने दो आपको सुनने के लिए, but सुनो सामने वाले की बात. लोगों को खुद का opinion देने की बहुत जल्दी होती है कि कब मैं अपना opinion दे दूँ सामने वाला बोल रहा है. Don't give out the opinion. Let the other person speak. बहुत अच्छा इसका जोक सब लोगों ने पहले भी सुना होगा. वापस I would share corporate life में ये जोक बहुत कॉमन है. एक बॉस होता है, 2 colleagues के साथ बैठा हुआ होता है, एंड उनको वो बॉस को जो है वहाँ पे भगवान आते हैं, बोलते हैं कि मैं आप तीनों पे बहुत प्रसन्न हूँ, तो जो चाहिए वो मांग लो. तो बॉस तो बॉस होता है, वो बोलता है कि नहीं, आई वॉन्ट माई कलीग्स टू हैव देयर ब्लेसिंग्स फर्स्ट. तो पहला बोलता है कि मुझे ना अभी के अभी मायामी आइलैंड्स में जाना है, वहाँ एंजॉय करना, ये जॉब वॉब से सब छुटकारा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, अब मैं बस आराम करना चाहता हूँ. दूसरा बोलता है मुझे इस बॉस से छुटकारा पाना है हमेशा के लिए, अब मुझे इसकी जगह बॉस बना दो. बस दोनों ने अपनी अपनी बात बोल दी. भगवान बोलते हैं ठीक है, अभी बॉस का टर्न है, उनका होने के बाद आपको मिलेगा. बॉस बोलता है कि ये दोनों ने जो भी विशेष मांगी है अभी क्या अभी कैंसिल कर दो और यहाँ उन पे काम पे लगा दो. सो डोंट स्पीक आउट अनलेस एंड अंटिल इट इज रियली नीडेड, एंड एस्पेशली व्हेन योर बॉस इज देयर, ट्राई टू मेंटेन योर बैलेंस. Because you never know what comes at the second moment. हमेशा एक बात ध्यान में रखना, अपने सीनियर्स से बात करते वक्त, सीनियर्स के सामने मेंटेन योर बैलेंस. हम बहुत खुशी में कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, एंड दैट बैकफायर्स इन अ वेरी बैड वे. ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है वेंटो के ट्रेनिंग प्रोग्राम में. किसी दिन सुनाऊंगा जब किस्सा वो का मौका मिलेगा. आई स्टिल हैव दैट एंटायर लेटर विच आई हैड रिटन टू माई CEO, वहीं पर पढ़ के बताया था, एंड उसके बाद कैसे बैंड बजी थी मेरी, ये भी मुझे पता है. तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस दैट हाउ यू लर्न द थिंग्स, एंड यू लर्न द थिंग्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड ऑलवेज गो थ्रू द सेम एक्सपीरियंस. पहले दिन जब मैंने आपको पतंजलि का एग्जांपल बताया था,
वो इसीलिए बताया था दैट फुटप्रिंट्स फॉलो करो सक्सेस के, यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील अगेन एंड अगेन. लेट योर बॉस स्पीक फर्स्ट, लेट द अदर पर्सन स्पीक फर्स्ट, गिव हिम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, यू बी अ गुड लिसनर, आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी. मैक्सिमम रिलेशनशिप्स कम टू एन एंड और मैक्सिमम रिलेशनशिप्स गो बैड बिकॉज दे डोंट हैव एन कैपेसिटी टू लिसन. एबिलिटी तो छोड़ दो, कैपेसिटी भी नहीं होती है. एंड वो बचपन से आता है, एक एक दो मिनट, बचपन से आता है बिकॉज पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो मैंने उस दिन श्री कृष्ण भगवान की जो चलाई थी छोटी सी क्लिप, ये दिया वो दिया, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस दैट व्हाट वैल्यू एजुकेशन यू आर गिविंग फॉर योर चिल्ड्रन. अगर आप आपके बच्चे को शुरू से सिखाते हो कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बच्चे को बोलते हैं भाई तू बोल ना क्लास में, बोलता क्यों नहीं है, अरे सुनने की भी तो आदत डालने दो उसको. बिकॉज अनलेस एंड अंटिल ही इज ही हैज दैट कैपेसिटी टू लिसन ही वोंट बी एबल टू स्पीक. जब सुनेगा तभी तो बोलेगा. सुनने की आदत अभी भी टाइम गया नहीं है किसी का भी. सुनने की आदत डालो भले 5 मिनट सुनने की आदत. मतलब उस वक्त लोगों को एक और एक आजकल आदत होती है कि न्यूज देखते हैं सामने, हाथ में मोबाइल होता है, न्यूज चालू होती है. दैट इज नॉट सुनना. सब कुछ बाजू में रखो एंड सिर्फ फोकस ऑन द न्यूज. दैट इज लिसनिंग बिकॉज देयर यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, द क्रक्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन. बट हम लोग क्या करते हैं, सामने न्यूज चालू है, हाथ में मोबाइल चालू है, इसका व्हाट्सएप, इसका ये. That is not listening. That is you are just sitting there and pretending to listen the news. If you want to listen the news, keep everything aside. Shanti se TV dekho. You will be able to improve your listening skills. Kyunki listening skills agar achhe hain, to aap bahut achha bol bhi paoge. Main thodi si koshish karta hoon sunne ki. I really don't know whether I'm a good listener or not. But koshish karta hoon roz sunne ki. Kyunki jab aap sunte ho, तो आप अच्छी तरह से बोल पाते हो. मैं कोशिश कर रहा हूं बोल पाने की. बिकॉज इफ यू आर एबल टू पुट योर पॉइंट्स इन द राइट वे, यू कैन विन द हार्ट्स ऑफ पीपल. एंड यू कैन विन द हार्ट्स ऑफ पीपल व्हेन यू आर अ गुड लिसनर फर्स्ट. वरना क्यों आएगा कोई आपके पास काउंसलिंग के लिए. सपोज रेफर्स करो, आप लोग काउंसलर हैं, आपके पास कोई आ गया रिलेशनशिप इशू का लेके, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कर रहा, मेरी वाइफ ऐसा कर रहा, आपने इमीडिएटली अगर आप जजमेंटल मोड में चले गए, नथिंग विल हैपन. डॉक्टर्स के लिए भी यही होता है, पेशेंट जब तक पेशेंट की बात नहीं सुनेंगे, काउंसलर वकील, जब तक आप बात नहीं सुनोगे तब तक आप एग्जैक्ट उसका डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस सोल्यूशन उसको कर ही नहीं पाओगे. लिसन टू हिम. सो सुनने की कला सीखने की कोशिश करो, क्योंकि कल से 2 दिन जो है हम एग्जैक्टली प्रैक्टिकल्स पे काम करने वाले हैं. सो गेट इन्वॉल्व्ड योरसेल्फ इन द प्रैक्टिकल्स. अब तक जो जो पढ़ा है, जो जो सुना है, चाहिए तो वीडियोस वापस एक बार देख लो, सो दैट यू आर एबल टू ग्रास्प मैक्सिमम आउट ऑफ द प्रैक्टिकल्स. एंड अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा सा अपने अपनी जगह आसपास थोड़ी सी जगह भी बना लो, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू डू दैट वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज. उसके अलावा भी बहुत सारे जादू के पेटारे में से चीजें निकलेंगी, बट मेन है गेट इन्वॉल्व एक्टिवली इन द थिंग्स. जो लोग सिर्फ लेट है, 10:30 बजे सेशन है, कौन बैठेगा, देन आई एम रियली सॉरी. करो. जो लोग इसको सेशन को भी बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग, आई बिलीव इफ समवन इज सीइंग लेटर ऑन, ट्राई टू अटेंड नेक्स्ट 2 डेज ऑफ क्लासेस सो दैट यू डोंट मिस समथिंग इंपॉर्टेंट. And things can change for you. But things can only change when you want to change. अगर आप काले रंग का ही चश्मा पहन के गुलाब के मतलब पीले फूलों को भी देखोगे तो आपको काले फूल दिखेंगे. तो चाहे वो दुनिया का सबसे छोटा गुलाब ही क्यों ना हो. हाँ जी सर, ये जो वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज है, कैन इट बी डन फॉर वन सेल्फ? लाइक जैसे सपोज आई टेक माय एग्जांपल, लाइक आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू
handle negative information. मतलब it impacts me very easily. So आप दो चेयर लगा सकते हो, आप क्या कर सकते हो उस केस में? आपका जो पॉइंट है कि आप खुद को अगर आपको जस्टिफाई करना है कि whether you should do it for yourself, you can absolutely do it for yourself. आप एक कुर्सी पे बैठो और सामने ऐसा विजुअलाइज करो कि या तो कोई क्रिटिक है या कोई ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, who can give you a right opinion. She can be your wife, she can be your mother, he can be your father, he can be your son, anyone. Now go into that role and see the things from his perspective. Also, tomorrow we'll try to do one good technique, secret counselor's technique, which can help you to extract. अपने सामने मंदिर है, डेविल वाला कार्ड रोज देखते हो फिर भी? नहीं, कुछ डिस्कशन हुए थे इसलिए मैं डर गई हूँ ज्यादा. वो टैरो कार्ड में उसको नंबर 16 ही ज्यादा आता है कोलैप्सिंग टावर का. उसको नाइन ऑफ कप नहीं आता है, एट ऑफ कप्स नहीं आता है, उसको सिक्स ऑफ वैंड्स ज्यादा आता होगा. तो ट्राई टू फिगर आउट योर सबकॉन्शियस माइंड. मतलब मुझे टैरो रीडिंग नहीं आता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग. तो बोलेंगे कि ओ स्त्री तू कल आना. अच्छे एक्सरसाइजेस है बहुत, एंड सीक्रेट काउंसलर्स टेक्निक कैन हेल्प यू इन एनी फेज ऑफ लाइफ, वेदर इन विच एवर प्रोफेशन यू आर. यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद एनी वन इन द वर्ल्ड एंड गेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन. ये काम आता है. Tomorrow we'll do that. Sir, I have a question, please. Yes, please. Sir, sometimes we are in a situation where the people we are interacting with, they're not good listeners. So, उनके साथ जब हम एक conversation करते हैं, तो कोई ऐसा hypnotic command होता है that they also start listening to us. आपने जितना भी अब तक हमने सीखा ना, इसमें से अगर आप 1% भी use करना शुरू करोगे, तो वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे. बिकॉज सिंपल लॉजिक इसके पीछे ये है दैट व्हाई आर दे नॉट गुड लिसनर्स. सिंपल ये है कि जब आप मछली पकड़ने जाते हो, कांटे में अगर आप पिज्जा लगाओगे तो मछली आपके पास नहीं आएगी. कांटे में अगर आप अर्थवॉर्म लगाओगे तो मछली आपके वो उस कांटे के पास आती है. सो योर हिप्नोटिक कमांड, योर हिप्नोटिक कम्युनिकेशन बी इन सच अ वे that the other person sees that whatever you are saying is important for him or her. Kitna bhi bura listener ho, but his subconscious mind is always awake. And the moment he tries to find something which is of his interest, kya bola tumne? Wapas puchega. So try to use the words and try to show people that you have what they want. Don't try to tell them that what you want to tell. Tell them what they want to listen. Politicians आपको हमेशा आप क्या सुनना चाहते हो ये सुनाते हैं. They don't try to tell what they want to tell. They will never tell. आप क्या सुनना चाहते हो, वो भी वो regional level पे जाके अलग अलग लोगों के problems में जाके, मतलब यहाँ के भाषण में अलग बात करेंगे, 5 kilometers जाके अलग भाषण करेंगे. So try to understand the ecology also, कि आप किससे बात कर रहे हो, उसका background क्या है, what exactly the person must be thinking, analyze the circumstances, analyze the situation, and then try to tell something. अगर एक doctor किसी को कहता है कि नहीं नहीं तू मतलब उसके घर पे खाने के वादे, और आप उसको बोलते हो कि नहीं तू रोज काजू खाना शुरू कर, that will not help. You have to understand कि what is it really, is it a ground reality at its place. Try to suggest him something. आप उसको groundnuts खाना suggest करो, शायद उसको groundnuts से जल्दी उसका placebo effect मिलेगा. आप उसको काजू ही बोलोगे तो वो बोलेगा डॉक्टर मैं इसके पास नहीं जाऊंगा. काउंसलर के पास आप जाते हो, अगर आप बोलते हो कि ऐसा है वैसा है, try to understand the ecology of first. What is happening? Ecology, ECOLOGY, कि exactly उसकी ground reality क्या है.
Because without finding a ground reality, if you just give your comments, things will not work out. So this was for today. बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर दी मैंने. नहीं सर. सर आज का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अगर टाइम है तो, जो आपने बताया. आज मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया. A new person, like he got my reference from someone and he started questioning me, like good listener वाली बात जो आप बता रहे थे. So मैं सुनती गई. He was like मैंने इतने एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, ये किया, मैंने ग्रह शांति की पूजा कराई है, सब कुछ करा लिया, उन्होंने ये बोला, मैंने ये कराया, मुझे 100 करोड़ कमाने हैं. मतलब हर बात में वो यही आ रहा था कि आई वॉन्ट 100 करोड़. सो आई टोल्ड कि जब तक मेरे पास कांट सी, मैंने कहा मैं नहीं देख सकती उन्होंने आपके लिए क्या प्रेडिक्ट किए या क्या देखा है, जब तक आपके डिटेल्स मेरे पास नहीं आएंगे. द डे आई गेट योर डिटेल्स देन ओनली आई विल बी एबल टू प्रेडिक्ट फॉर यू. सो कैसे करोगे आप, किस तरह करोगे आप, द काउंटर क्वेश्चंस वर कमिंग ऑन मी, स्ट्राइकिंग मी. सो मैं सुनती गई. मैं इतना तक हुआ कि मेरे किस्मत से ना मिले, मेरे बीवी की किस्मत से मुझे मिलना चाहिए, मेरे बेटे की किस्मत से मिलना चाहिए, पर मुझे 100 करोड़ नहीं. मतलब कहा तो वो अपने डिटेल्स नहीं पहले कि कैसे करोगे क्या करोगे एंड ऑल. फिर मैं अपने पूरे फैमिली का भी आपको दे रहा हूँ और पेमेंट भी आपको कर रहा हूँ, आप करो. एंड देन फाइनली उसने मतलब अपना, मैंने कहा नहीं पूरे का मत दो, आप पहले अपना भेजो, आप पहले अपने पे ट्रस्ट रखो और फॉलो करोगे तभी मिलेगी चीजें. मैं बोलती हूँ और आप ना करो तो आई एम नॉट एबल टू यू नो गिव द थिंग्स टू यू. सो नहीं नहीं मैम आप बोल रहे हो मतलब दैट मीन्स इतना मुझे. आज मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि ये पहला क्लाइंट है जो 100 करोड़ से नीचे आ ही नहीं रहा था. उसका टारगेट उसको 100 डेज पिक्चर देखने को बोलते हो जैकेट श्रॉफ की, उसका सस्पेंस समझ में आ गया तो उसका 100 करोड़ का भी सस्पेंस भी समझ में आ जाएगा. सीरियसली सो आई लिसनड, आई बहुत पेशेंटली मैं सुनती हूँ. मेरे हस्बैंड भी कभी कभी ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि एक एक घंटा तो क्या बात करती है क्लाइंट. ओके लिसन वन थिंग, हाँ यूवियों के सामने हस्बैंड को सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है. नो सर वो ये कहते हैं ना कि तुम एक एक घंटे क्लाइंट से क्या बात करती हो, मतलब इतना क्या. इवन यू नो इवन ही सेज मी कि अगर तुम्हारे पास रॉन्ग नंबर भी आ जाएगा ना तो यू हैव दैट एबिलिटी टू टॉक टू दैट पर्सन हाफ एन आवर. माता ने होना चाहिए तभी तो लाइफ मजे में चलती है. चलो सर वी विल टेक अ ब्रेक नाउ. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Bye, everyone. Bye.